नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। तो आपको बात करें कि बता दें कि ये जो बात है ये है 15 जुलाई 2001 की, जब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली से ऊसरी चट्टी में अचानक गोलीबारी होने लगी थी। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने देखा कि सामने पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ खड़ा है। अब घटना देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अब इसमें गोलीबारी के बाद घटना स्थल पर एक शव बरामद हुआ, जिसकी जांच पहचान करने के बाद पता चला कि वो किसी मनोज राय के रूप में वो सामने आई। अब पुलिस जांच के बाद पता चला कि मनोज बिहार के बक्सर जिले के सगराव का रहने वाला है। मुख्तार ने इस हत्या और गोलीबारी का जिम्मेदार अपने प्रतिद्वंदी गैंग के सरगना माफिया ब्रजेश सिंह को बताते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने इस जो हत्याकांड थी इसकी जांच की और जांच करने के बाद जो केस को डंडे बस्ते में डाल दिया। इधर वक्त बदलने के साथ बाहुबली मुख्तार का रसूख कम होने लगा। अब 2017 में अगर हम बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से जैसे कि मुख्तार अंसारी के जो है बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो किसी तरह जुगाड़ लगाकर पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हो गया था और उस जेल में भी अपने गैर कानूनी धंधों को संचालन करता रहा, लेकिन योगी सरकार ने उसे पंजाब से वापस यूपी बुला लिया और उसे बांदा जेल में बंद कर दिया। इस तरह जब उसका खौफ लगभग खत्म हो गया तो एक दिन एक बुजुर्ग आया, गाजीपुर के एक मोहम्मदाबाद कोतवाली पहुंचा और वहां उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनकर पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट थी वो वहां पर हर एक व्यक्ति जो था हैरान रह गया। अब बता दें कि वो बुजुर्ग 2001 में हुई गोलीबारी में मृतक दिखाए गए मनोज राय का जो पिता के रूप में शैलेंद्र कुमार राय के रूप में आए थे, उन्होंने पुलिस को तहरीर में खुलासा किया कि उनके बेटे की हत्या उस गोलीबारी में नहीं हुई थी, बल्कि उसे मुख्तार के सुनियोजित तरीके से मारा था, मुख्तार ने मारा था। अब तहरीर के मुताबिक मनोज राय की शादी गाजीपुर जिले के भावरकोल थाना क्षेत्र के अवधई में हुई थी और ससुराल आने जाने के क्रम में उसकी मुलाकात किसी तरह से मुख्तार से हुई थी। अब मुख्तार ने उसे अपने ठेके के मुख्तार और मनोज के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई और मुख्तार ने उसे अपने ठेके का काम सौंपना शुरू कर दिया। विदित है कि मुख्तार का गैंग सरकारी ठेके लेने का काम करता था और इसमें मनोज बतौर ठेकेदार मुख्तार की तरफ से ठेके भरने का काम किया करता था। अब इसी क्रम में आपको बता दें कि एक दिन इन दोनों की किसी बात पे अनासुनी हो गई थी और एक उस मुख्तार के जो दोस्त थे मनोज, उन्होंने एक ठेका बिना मुख्तार की इजाजत के ही पास कर दिया था, जिसके बाद मुख्तार के अंदर एक गुस्सा आ गया था और मुख्तार अपने दोस्तों अपने पूरे गैंग के साथ उसके पास पहुंच गया और उसके पास जाकर उसने मुख्तार ने उसको जब वो मतलब मुख्तार को जब ये पता चला कि जो ठेका है वो बिना उसकी जानकारी के हुआ है, तो वो नाराज हो गया और अपने गुर्गों के साथ मनोज के घर पहुंच गया। और मुख्तार के चार गुर्गे ड्राइवर जो जिसमें सुरेंद्र शर्मा, शाहिद, गौ मोइनुद्दीन और कमाल वारदात के एक दिन पहले मनोज के घर पहुंचकर बोले कि विधायक जी ने आपको बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, और मनोज उस वक्त चले गए। अब उस वक्त उसके पिता घर पर ही मौजूद थे और अगले दिन शाम को खबर आई कि मनोज की गोलीबारी में हत्या हुई। शैलेंद्र राय ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुख्तार के गुर्गों ने उसको घर आकर धमकी दी और उनके बेटे को विधायक जी ने धमकी देते गए कि उनके बेटे को विधायक जी को धोखा दिया था, इसलिए बेटे की हत्या कर दी। अब आपको बता दें कि ये पूरी जो मुख्तार अंसारी की ये जो स्टोरी है मनोज मनोज जी की, हमने आपको क्यों बताई? तो मनोज हत्याकांड की ये जो उत्तर प्रदेश में दबंग और माफिया मुख्तार अंसारी और उसके दूसरे सहयोगी पर MP MLA कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड को आज लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीती 30 नवंबर को किसी कारणवश सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, जिसकी तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई थी। दरअसल आज से 23 साल पहले 15 जुलाई 2001 को ऊसरी चट्टी पे तत्कालीन मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और वही बिहार के बक्सर जनपद से संगराव निवासी मनोज राय की भी हत्या हुई थी और उस वक्त मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था,
लेकिन मनोज राय के पिता ने अपने पुत्र की हत्या बताते हुए बीते जुलाई में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद ये मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चला गया था। तो फिलहाल के लिए अभी इस लाइव में इतना ही, और आपको बता दें कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की सुनवाई है, और अब इस फैसले पे निर्भर करता है कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।